हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। गोल्डन करियर एक नई सीरीज लेकर आ रहा है। नई सीरीज मतलब कुछ नया वेबसाइट में हमने इम्प्लीमेंट किया है। हम अब आपको जॉब्स की नोटिफिकेशन भी देंगे। देखिए, वैकेंसीज डे बाई डे बैंक्स में भी कम हो रही हैं, तो बैंक के अलावा और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि जो लोग बैंक में पीओ की या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, मे बी उनके लिए ये जॉब रिलेवेंट नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जो इस पोस्ट के लिए भी जाना चाहते होंगे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। साथ में गोल्डन करियर अब आपको हर तरह के जॉब की नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। इस वीडियो के बारे में तो देखते हैं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कैसे। आपको जाना है गोल्डन करियर की वेबसाइट पे, www.goldencareer.co.in। उसके बाद ये पेज ओपन होगा, और ये पेज ओपन होने के बाद देखिएगा यहाँ पे एड डिस्प्ले हो रहा है, या फिर आप देखेंगे कि वेबसाइट पे कई जगह पे एड डिस्प्ले होता है। जैसे जैसे आप पेज ओपन करेंगे वो हर बार चेंज होता रहता है। प्लीज एक एड पे क्लिक करके सपोर्ट करिएगा। एंड उसके बाद ये है लेटेस्ट जॉब का सेक्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो अभी वैकेंसी के बारे में बात करूंगा उसका नोटिफिकेशन है, डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है। इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर यहां भी एड डिस्प्ले हो रहे हैं तो प्लीज सॉरी एक एड पे क्लिक जरूर करिएगा, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए अब बात करते हैं जो वैकेंसीज आई हैं। ये वैकेंसीज इंडिया पोस्ट की हैं, टोटल वैकेंसीज 1700 प्लस हैं, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 5 जुलाई 2019। कोई एग्जाम नहीं होना है, कोई इंटरव्यू नहीं होना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एंड आपके मेरिट के बेस पर जो है वो आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो 10th पास चाहिए, मतलब अगर आपने 10th कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे मेरिट के बेस सिलेक्शन होना है, उसमें भी जो 10th का मार्क्स है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी नोटिफिकेशन, ठीक है। फिलहाल वो नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे वो कंबाइंड नोटिफिकेशन है, तीन नोटिफिकेशन कंबाइंड है, क्योंकि वैकेंसी जो है ये तीन सर्कल्स की है। एक झारखंड सर्कल की है, ठीक है, नीचे आप जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश की है, एंड दिल्ली के सर्कल दिल्ली सर्कल की है। तो तीनों ही सर्कल में प्रोसीजर सेम है, आपका 10th पास होना जरूरी है। एंड आपको जो कोई भी एग्जाम नहीं देना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है, तीनों सर्कल्स में सिर्फ आपकी मेरिट पे बेस पे सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल इसमें बेसिकली क्या है। तो देखिए जॉब प्रोफाइल, देखिए पहली आपकी जो पोस्ट है वो बीपीएम की है। बीपीएम मतलब है ब्रांच पोस्ट मास्टर। द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर विल इंक्लूड मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड काउंटर ऑपरेशन। बेसिकली मे बी आपको काउंटर वर्क करना होगा, कुछ डिवाइस दी जाएंगी आपको, कंप्यूटर में भी हैंडल करना हो या कोई स्मार्टफोन आपको हैंडल करना हो, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको पता है पोस्ट ऑफिस से ही ऑपरेट होता है, तो मे बी उससे रिलेटेड कुछ वर्क हो जो आपको वहां पर करना होगा। तो फिलहाल ये है आपकी पहली जॉब, ठीक है। सेकेंड है आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो इसकी जो सैलरी होगी वो टोटल आप मान लीजिए आपकी बनेगी 10 से 14 हज़ार के आसपास, और उसकी सैलरी आपकी बन जाएगी 12 से 16-17 हज़ार के आसपास, ठीक है। जो ओवरऑल सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो डिस्प्ले है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर थर्ड पोस्ट आपकी आती है डाक सेवक की, ठीक है। एंड इसके बाद आपका देखिए ये आपका अलाउंसेस दिया गया है, टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंसेस। द फॉलोइंग मिनिमम टाइम एंड कॉन्टिन्यूटी अलाउंसेस शैल बी पेएबल टू द कैटेगरीज ऑफ जीडीएस एज मेंशन, ठीक है। इसमें 4 आवर के लिए दिया हुआ है। देखिए अगर आपका वर्क ज्यादा होता है तो उस पर आपको ज्यादा जो है पैसे मिलेंगे, मे बी आपको 20-24 थाउजेंड भी मिल जाए अगर आपसे 8 आवर्स की कॉन्टिन्यूस जो है वर्क वहां पर लिया जा रहा है। तो ये तो हो गया आपका क्या वर्क होगा एंड कैसे अप्लाई करना है। देखिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अप्लाई करने के लिए लिंक दे दूंगा, ठीक है। जो आपको अप्लाई करना है वो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, हमारी वेबसाइट का लिंक एंड ऑनलाइन जॉब का लिंक दोनों वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो वहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट में टाइम है, 1 महीना है आपके पास अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द। बाकी यहां पर एससी और एसटी के लिए एज में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है, और साथ में अगर हम बात करें कि अप्लाई करने की एज क्या है तो 18-40 इयर्स का कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद 5 साल या 3 साल का रिलैक्सेशन अलग से है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 ईयर्स है, पीडब्ल्यू प्लस एससी एसटी 15 ईयर्स है, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 18 से 40 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद आपकी पोस्टिंग जिस सर्किल में आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से होगी, तो वो आप लोग को पता ही होगा। एंड बाकी कोई टेस्ट नहीं होना है, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पर सैलरी एंड आपकी दी हुई है, उसके बाद ये अलग अलग आपके हेड ऑफिस एंड कहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिए, होपफुली कुछ भी इसमें छूटा नहीं है वीडियो में, क्योंकि आपको मैंने सैलरी आपकी बता दी। आपको अप्लाई करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, यहाँ पर एग्जाम की फीस की बात भी कर लेते हैं। देखिए, फीमेल एससी एसटी से कोई भी फीस नहीं है, एंड बाकी कैंडिडेट से 100 रुपीज जो है वो फीस चार्ज की जाएगी, तो फीस ज्यादा नहीं है। एंड फीमेल एससी एसटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो भी इतना बड़ा इश्यू आपके लिए नहीं है। बाकी देखिए, यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात तो ऊपर की गई है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, एंड ईडब्ल्यूएस जो कि नया आपका आरक्षण आया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके लिए कोई भी रिलैक्सेशन फिलहाल नहीं दिया गया है। एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि कंप्यूटर नॉलेज और लोकल लैंग्वेज नॉलेज जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू द 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड तक एटलीस्ट आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई हो। मतलब अगर आप एक हिंदी भाषी स्टेट से हैं तो आपने हिंदी 10th तक पढ़ी हो, आप एक मराठी स्टेट से हैं तो आपको आपने एक जो मराठी है वो 10th तक पढ़ी हो। बेसिकली आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि किस सर्किल में वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, असम की असमीज, बंगाली और बोडो 3 है, बिहार के लिए हिंदी है, छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी है, दिल्ली के लिए हिंदी है, गुजरात के लिए गुजराती है। ठीक है, तो ये आपको चीजें यहां पर आनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर 3 सर्किल की ही वैकेंसी है, तो बेसिकली आपको जो देखना है वो देखना है हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एंड आपका आता है झारखंड। ठीक है, तो आपको इन्हीं चीज झारखंड के लिए बात करें तो देखिए झारखंड के लिए आपकी हिंदी है, और अगर दिल्ली के लिए बात करें तो दिल्ली के लिए भी हिंदी है और हिमाचल प्रदेश के लिए भी हिंदी है। मतलब आपको हिंदी आनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर फोटोग्राफ एंड ऑल डिटेल दी हुई है, इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड आपको ऐसे ही जॉब्स के नोटिफिकेशन अब गोल्डन करियर की वेबसाइट में मिलते रहेंगे। आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर करिए कि वीडियो को शेयर जरूर करिए, और लोग को जरूरत है उन तक वीडियो पहुँचाइए, और साथ में वेबसाइट पर जाइए और एक ऐड पर क्लिक जरूर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।